पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अभी बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 36,000 एकड़ जमीन को कब्जे से मुक्त कराने का ऐलान किया है। दरअसल पंजाब में हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे हैं। जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए अब नई सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है जो कि अवैध कब्जों को हटवाएगी। सीएम भगवंत मान ने कहा कि जमीनों पर जिन भी रसूखदारों के नाजायज कब्जे हैं उन पर बुलडोजर चलेगा। सरकार ने राज्य भर में लगभग 36,000 एकड़ पंचायती जमीन की पहचान की है जिस पर प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। मान सरकार के मुताबिक इन कब्जों की वजह से सरकारी राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए मान सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया है। इस टास्क फोर्स में विभिन्न जिलों के DC, SDM, तहसीलदार, रेवेन्यू अधिकारी और पुलिस के अधिकारी शामिल रहेंगे। मान सरकार का कहना है कि टास्क फोर्स सभी जिलों में अवैध कब्जे हटाने के लिए पहले कागजी कार्रवाई करेगी। इसके बाद भी अगर कब्जाधारी कब्जा नहीं छोड़ते हैं तो जबरन कब्जा खाली कराने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर हमारी सरकार सभी के कागज तैयार करवा रही है। ये अवैध कब्जे और बर्दाश्त नहीं होंगे। हमारी सरकार में बुलडोजर चलेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।